नमस्कार, मैं करिश्मा मित्तल। आज हम चर्चा करेंगे हमारी आने वाली फिल्म तेरे जैसा यार कहाँ, जो बहुत ही जल्द रिलीज़ होने वाली है। ये जो फिल्म है हमारी 14 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है। और इस फिल्म के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो स्टोरी है ये दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। ये एक फैमिली ड्रामा है और इससे जो है पूरी फैमिली बैठकर देख सकती है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है और बहुत ही रोमांचक है। मैं अभी ये सब सस्पेंस रखूंगी, अभी नहीं बताना चाहूंगी। और मैं हर किसी से चाहूंगी कि लोग जाकर और वहां पर देखें थिएटर में। इसमें मेरा किरदार एक चुलबुली लड़की का है, जो पवन जी के अपोजिट मैंने काम किया है। बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है और पवन जी के साथ, जो पवन जी आज के उसमें सुपर स्टार हैं, मुझे उनके साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही कोऑपरेटिव हैं वो और मैं चाहूँगी कि मैं हर समय उनके साथ काम करूँ। और पब्लिक को भी जो है, दर्शक को भी ये पसंद आएगी हमारी उनकी जोड़ी। पवन जी के साथ काम करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और हर जगह जो है मुझे उन्होंने सपोर्ट किया। कभी मुझे मतलब ये नहीं एहसास होने दिया कि मैं अभी अभी नई जो है उनके साथ लॉन्च हो रही हूँ, चूँकि वो सुपर स्टार है और मैं एकदम बिल्कुल नई नई उनके साथ लॉन्च हो रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनके साथ काम करके। हमारी फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रवि भूषण जी हैं, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगी कि उनकी हर एक फिल्म में मैं काम करूँ। चूँकि रवि भूषण सर जो है, मुझे पहले अभी फिल्म बनने के एक शूटिंग होने के एक दो महीना पहले उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन कैरेक्टर के बारे में चूँकि उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि मेरा ये कैरेक्टर है, तो मुझे अचानक ये रोल मिला। तो मुझे तैयारी करने का फिर भी थोड़ा सा 10 दिन का टाइम मिल गया था, तो मैं अपने कैरेक्टर में जाने के लिए मेरे लिए 10 दिन काफ़ी था। ऑडियंस से यही बोलना चाहूँगी कि 14 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें तादाद में लोग जाएं और थिएटर में देखें। सब भोजपुरिया भैया लोग के हमारे फिर से प्रणाम बा। तमाम भोजपुरिया भैया लोग के हमारे प्रणाम बा। हम राइटर डायरेक्टर रवि भूषण बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन के साथ रघुआ सामने एक फिल्म लेके आ रहा बनी तेरे जैसा यार कहाँ, जेकर प्रदर्शन 14 तारीख के बाद। रघुआ तमाम भोजपुरिया भैया लोग से हमार प्रार्थना बाटे, हमार आग्रह बा कि एकरा के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाके सिनेमा घर में देखी जा। दर्शक लोग तो एकरा बारे में बहुत कुछ जानत हैं, बहुत पहले से एड चल रहा बा, बहुत पहले से ट्रेलर चल रहा बा, गाना सब चल रहा बा। तकरीबन 7 से 8 महीना लग गई पिक्चर बन के तैयार होके में, अब पूरा तरह से तैयार बटे पिक्चर और 14 तारीख के ही रिलीज हुई। 14 तारीख के बिहार, नेपाल, बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात इतना टेरिटरी बटे एक साथ। एक बात जन बटे कम से कम 3-4 हफ्ता के बाद यूपी रिलीज करब, पंजाब रिलीज करब, दूरदर्शन पे भी देखे के मिली पिक्चर। दर्शक लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपन पास के सिनेमा घर में जाओ, लोग एरा के देखो। पैरेसी से काफ़ी माने कि बाइकाट करे के चाहिए पैरेसी के। पैरेसी जब तक रही, जब तक रुआ लोग सीडी पर देखब जा। आजकल नेट के ज़माना आ गया बा, जहाँ की डमी नेट लोग डाल देता थे पिक्चर हाउस से, जो कॉपी करके लोग डाल देता थे। तो ये सब के बहिष्कार करे के चाहिए। अगर ना बहिष्कार हुई तो अच्छा फिल्म ना बन सकेला, बजट में फिल्म ना बन सकेला, रिकवरी ना होगी, अच्छा फिल्म बनाना बहुत मुश्किल हो जाए।